हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप में डीपी कैसे लगाते हैं, नहीं अपना फोटो व्हाट्सएप में कैसे सेट करते हैं फिर किसी का भी। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके लिए दोस्तों करना क्या है कि आपको अपना व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन होता है इसको ओपन करना होगा। जैसे आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी फोटो यानी लगाना है, डीपी लगाना है, तो कैसे लगाना है इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए थ्री डॉट का एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे साइड में, तो आपको इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे फिर इस प्रकार का यहाँ पर पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर देखिए आपको पांच छह ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पर देखने को, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि फिर सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। इसमें जैसे क्लिक करेंगे फिर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको आपका प्रोफाइल का आइकन दिखेगा यहाँ पर, यदि फोटो सेट करके रखे हैं पहले से दिया तो यहाँ पर फोटो भी दिख जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार खाली दिखेगा यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन। तो आपको इस प्रोफाइल वाले आइकन पर ही आपको क्लिक कर लेना है, ना कि आपको यहाँ पर नीचे कहीं टैप करना है, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर इस प्रकार टैप करेंगे फिर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है इसके बाद कि आपको यहाँ पर कैमरा का जो ऑप्शन दिख रहा है आप डायरेक्ट कैमरा में क्लिक करके आप यहाँ डायरेक्ट फोटो कैप्चर करके आप यहाँ पर सेट कर सकती हैं, या फिर आपको डायरेक्ट फोटो नहीं करना है, आपके फ़ोन में है इन गैलरी में पड़ा हुआ फोटो, कोई फोटो आप उस फोटो को यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर करना क्या है कि इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन आपको देखने को मिला है, तो आपको करना क्या है कैमरा से डायरेक्ट फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर आपको गैलरी से, गैलरी में वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। गैलरी से आपको फोटो उठाना है तो जैसे गैलरी में आपको क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जिस भी फोल्डर में आप यहाँ पे फोटो रखे हुए हैं, जिस फोटो को आप लगाना चाहते हैं डीपी में अपने यहाँ पे, तो आपको उसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, इस प्रकार से आपका फोटो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जितनी यहाँ पर क्रॉप है आप इतने ही क्रॉप करके ही फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं। तो आपको इस प्रकार सेट कर लेना है और इसके बाद देखिए डन का ऑप्शन जो दिख रहा है इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये देखिए प्रोफाइल फोटो अपडेटेड, यानी यहाँ पर ये फोटो सेट हो चुकी है। और इस प्रकार से आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद देख सकते हैं फोटो यहाँ पर फिर से आपको होम पेज में आने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक कर लेना है, यहाँ पर सेटिंग में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं फोटो यहाँ पर सेट हो चुकी है। इस प्रकार से आपको अपने व्हाट्सएप में अपना फोटो या फिर किसी का भी यहाँ पर डीपी सेट कर सकते हैं व्हाट्सएप में इस प्रकार से।